हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देख रहे हैं ये नई बटरफ्लाई जो कि हमारे छोटे से इस गार्डन में घूमने चली आई है। तो आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू रिलैक्स हियर समथिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ शी डूइंग। लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ यूजुअल डे टू फाइंड सच अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। सिंस आई गेस दिस काइंड ऑफ बटरफ्लाई डोंट रियली कम डाउन एंड सच लाइक दिस। तो ऐसे मैंने पहले कभी इस बटरफ्लाई को नहीं देखा कि वो नीचे आके बैठ गई हो। I'm not sure what kind of situation she is going through. ये शायद हीट स्ट्रोक भी हो सकता है कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे शेड में आराम कर रही हो और उसके बाद जो है वो निकल जाए, क्योंकि टू टाइम्स मैंने देखा उसको यहाँ से फ्लाई करते हुए बाहर निकलते हुए और उसके बाद वो दोबारा से घूम के यहीं पर आकर बैठ गई है। She came here two times, flying over and came back. This is a very beautiful orange color with the border of black and brownish and white spots on it. It is little bit light orange from outside and a bit darker from inside. As always, the butterflies are. तो अंदर से ये ज़्यादा डार्क होती है और बाहर की तरफ से थोड़ा सा ऑरेंजिश लाइट होता है, एकदम येलो ऑरेंजिश का कलर होता है इसका। तो फेस इसका थोड़ा सा ब्लैक है और उस पर वाइट स्पॉट्स हैं पूरे पे। फेस ऑफ द बटरफ्लाई इज ब्लैक कलर एज यू कैन सी, हैज वाइट स्पॉट्स ऑन इट। It's really big. Let me try to get close to it as much as I can. I'll show you all the colors of this beautiful butterfly. See, I think it's agar main galat nahi hu to ye shayad monarch butterfly hai. Iske bare mein maine bahut suna hai aur is butterfly ko maine kabhi ek jagah rukte hue nahi dekha hai. Just keep flying one home to the other without stopping by. अगर कुछ इसको चेक करना होता है तो ये पास जाकर देख लेती है और उसके बाद में फ्लाई कर जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई एम हैविंग हियर। आई एम नॉट श्योर व्हाई शी हैज स्टॉप्ड हियर एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। तो ये पहली बार हमने इस बार बहुत सालों में इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं। पहले तो आसानी से हो जाया करते थे, तो वो गर्मी और कुछ ज़्यादा ट्रीज़ होने की वजह से प्लांट्स ने होना बंद कर दिया। बट हमने फिर से कोशिश करी और अभी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं हमारे पास, वजह से यहाँ पर बटरफ्लाइज़ का आना जाना बढ़ गया है थोड़ा सा। So I am having all kinds of beautiful butterflies here coming down. समय रहते काफ़ी सारी butterflies यहाँ पर आती जाती रहती हैं, flowers के तरफ attract होती हैं ये। So it's really beautiful. और मैं इससे सिर्फ बस हाथ भर की दूरी पर खड़ा हूँ। बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है ये। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा हीट के होते हुए जब हम लोगों का बुरा हाल हो सकता है, तो एनिमल्स और बटरफ्लाइज और बर्ड्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल का टाइम है ये। क्योंकि लू चल रही है, गरम गरम हवाएं हैं, एकदम कोई भी राहत वाले काम नहीं है। लेकिन सिर्फ पेड़ों के होते हुए यहाँ पर जो शेड बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो शेड दिखाई दे रहा है आपको, ये सिर्फ यहाँ पर पेड़ लगा हुआ है काफ़ी बड़ा, इसी वजह से शेड है ये। वरना जो धूप का नज़ारा है वो बहुत ही बेहाल कर देने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल ड्राइनेस है, और ये देखिए इस तरफ धूप है यहाँ पर, तो बटरफ्लाइज आके यहाँ पर ये अपना जूस वगैरह लेती हैं, कलेक्ट करती हैं अपना। और ये देखिए कैसे हीट की वजह से जो है वहाँ कोई नहीं जाता। सो आई रियली फील वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बट ऑल्सो लिटिल बिट सैड टूवर्ड्स व्हाट द एनवायरनमेंट इज गोइंग थ्रू नाउ। नाउ डेज इट इज़ रियली हॉट, वेदर इज लाइक 38 डिग्रीज सेंटीग्रेड, एंड इट्स ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू नो डेजर्ट, बिकॉज इट्स वेरी हॉट इन द डे टाइम्स एंड इन द नाइट टाइम्स इट्स कूल विंड ब्लोइंग जस्ट लाइक इट हैपन्स इन द डेजर्ट। तो जैसा कि रेगिस्तान में होता है, दिन में बहुत गर्म टेम्परेचर और रात को ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक वैसे ही अब यहाँ पर भी महसूस होने लगा है। बट होपफुली कुछ दिनों बाद जब बारिश होगी तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत डाउन हो जाएगा, एकदम से तो नहीं, बट गर्मी तो सितंबर तक रहती है दोस्तों। और वेल, लाइफ है तो वील हैव टू गो थ्रू इट। सो वापस आते हैं इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के ऊपर, देखिए ये कैसे इतनी देर से यहाँ पर वेट कर रही है। आई डोंट नो व्हाई और क्यों, देर इज़ नो सच इंडिकेशन ऑफ हर एनी पार्टनर हेयर। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई इसका साथ में दोस्त वगैरह घूम रहा हो, बट आई फील लाइक शी इज़ रेस्टिंग, शी इज़ टेकिंग अ रेस्ट वाइल गोइंग थ्रू द समर टाइम। क्योंकि इतना लंबा ये लोग सफ़र तय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिना रुके कहीं पर, खासकर ये वाली बटरफ्लाई तो नीचे तो नहीं रुकती कहीं भी, इतना तो मैंने देखा है। आई एम नॉट श्योर कि हर किसी के संग ऐसा होता है, बट यहाँ पर पहली बार ऐसे हुआ है। और आई हैव फाउंड टू डेड बटरफ्लाइज, इट वॉज रियली शॉकिंग बिकॉज एवरीथिंग वी प्रोवाइड विद द शेडी एरिया एंड ग्रीनरी एंड दीज फ्लावर्स एंड ऑल, स्टिल द बटरफ्लाइज एंड अदर बर्ड्स, सम ऑफ द बर्ड्स आर सफरिंग। तो कुछ बटरफ्लाइज और बर्ड्स बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं, तो इस वजह से वो मर चुकी हैं बिल्कुल, एकदम लाइफलेस डेड हो गई एकदम। तो देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज बचपन में इन्हीं बटरफ्लाइज के पीछे हम भागा करते थे, हमारे को भी याद है। और सोचते थे यार कि हमारे घर भी कभी बटरफ्लाइज होती तो हम खेलते उनके साथ में। और अब देखिए भाई, मैसेज आ गया है कि यार आपको बटरफ्लाई हेल्पलेस मिलेगी पड़ी हुई कहीं पर, या फिर वो तड़प रही होगी, या यू नो द सिचुएशन हैज़ एंटायरली चेंज्ड। सो आप कैसा फील करते हैं प्लीज़ कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हेल्प मी ग्रो।
because I have a new channel just like 2.5 years now, so I would like everyone to I would request everyone to please subscribe this channel and help me grow. Thank you so much, guys. Have a nice day. Bye bye. गाइस इसको रेस्ट करने देते हैं, आई थिंक इसको और डिस्टर्ब नहीं करता, तो शी कैन जस्ट सिट हियर एंड रिलैक्स, और जब वो जाना चाहे तो चले जाएगी। हम भी चलते हैं। ओके, टेक केयर।